गुड मॉर्निंग दोस्तों, मुझे गांव के कुछ लोगों ने बताया कि मेरे स्टे लोकेशन से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर एक केव है जो 1.5 किलोमीटर लंबी है, जिसे हाइड्रो प्रोजेक्ट के दौरान बनाया गया था। तो आज मैं आपको NH7 पर बनी इस केव के पास लेकर चलूंगा। चलिए देखते हैं कैसी है केव और कैसा एक्सपीरियंस। हेलो दोस्तों, डे 3 आज इस लोकेशन पे, और आज नाइट में नहा धो करके अब मैं लंच करने के लिए जा रहा हूँ। सुबह से यहाँ बैठे हुए आपके लिए अगला एपिसोड एडिट कर रहा था जो संडे को रिलीज होने वाला है। अभी बस नहा धो के तैयार हो गया हूँ मैं, और जाने की तैयारी है। एक खाना खाने के लिए भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तो चलिए मिलते हैं। अब मैं उस गुफा को भी ढूंढ रहा हूँ तो जहाँ रोड के लेफ्ट हैंड साइड पर है, जिसका मुँह शायद बंद कर दिया गया है बाद में। और ये देखिए, ये काफ़ी लंबी गुफा है ऐसा बताया जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये देखिए बहुत दूर तक ये गुफा जाती है जो मुझे बताया उन्होंने उसके हिसाब से। और अंदर जाने से मना किया था कि इसके अंदर मत जाना, यहाँ पर बैट्स हो सकते हैं और शायद कोई जानवर भी छिपा हुआ बैठा है। पर जहाँ तक थोड़ी बहुत रोशनी है, मैं वहाँ जाकर देखने ज़रूर वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। लीजिए, मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ अभी। उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे, यहाँ तक रोशनी है और अंत नहीं दिखता। ये टनल आगे जाके लेफ्ट की तरफ मुड़ रही है, आप पता नहीं देख पा रहे कि नहीं। आगे जाके लेफ्ट की तरफ मुड़ती है और यहाँ आकर एकदम अंधेरा हो चुका है। मैं करीब करीब 500 कदम के आसपास अंदर आ चुका हूँ और कुछ भी देखना मुश्किल है, क्योंकि मैं एकदम और मुड़ चुका हूँ तो लाइट पीछे से भी नहीं आ रही है, लाइट आगे से भी नहीं आ रही है। तो कहना मुश्किल है कि कहाँ तक जाएगी, कितनी लंबी है, मैं तो अंत नहीं देख पाया। हाँ, अगर टॉर्च लेकर आता तो ये अच्छा होता। अंधेरा डराता है, आपको ये मानना ही पड़ेगा, अंधेरे कोने आपको बहुत डराते हैं। पर एकदम सड़क के ऊपर राइट कॉर्नर पे इस तरह की गुफा का होना कमाल की बात है। कुछ दिख रहा है आपको? मैंने नाइट विजन भी ऑन किया है पर अंधेरा इतना ज़्यादा है कि मेरे दोनों कैमरा में कुछ भी देख पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मुझे पता नहीं, मैं जब खड़ा होकर बात कर रहा हूँ तो आप मुझे देख भी पा रहे हैं कि या नहीं। मैं ज़रा सेल्फी व्यू पे अपने फिमी पाम को मूव करता हूँ, ये देखिए आप मुझे देख पा रहे हैं? लगता तो नहीं है, फुल अंधेरा है। टॉर्च होती तो बेहतर रहता, कुछ अंदर तक मैं एक्सप्लोर कर पाता। ये 500 कदम के बाद तो कुछ भी देखना, सुनना, समझना, मेरी खुद की आवाज़ यहाँ गूंज रही है, आप महसूस कर रहे होंगे। 3-4 लोगों का ग्रुप हो तो शायद एक्सप्लोर किया जा सके, अगर आप सेफ्टी के लिए सब चीज़ें साथ लेकर आए हैं। मेरे दोनों कैमरा अब यहाँ किसी भी तरह की रोशनी को दिखाने में एकदम असमर्थ हैं। वापस चलते हैं बाहर। जी, मैं बाहर निकल आया हूँ, तो मुझे रास्ता दिख रहा है यहाँ से, बाहर जाने का रास्ता मैं देख पा रहा हूँ। देखिए एकदम रोड के
ऊपर है, आप देख पाएंगे इसको। ये लीजिए, ये मैं आ गया। मैं कुछ मीटर तक अंदर तक गया था, करीब करीब 500 कदम अंदर। तो 500 फुट का मतलब है 100-125 मीटर के आसपास मैं अंदर गया इसमें, और अंदर क्योंकि पूरा अंधेरा था तो उसके बाद जाना सेफ नहीं समझा मैंने, क्योंकि कोई टॉर्च मेरे पास नहीं है, देखना मुश्किल हो गया था, एकदम अंधेरा था सब, और थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा था कोई जंगली जानवर हुआ तो। पर अच्छा था एक्सपीरियंस। ये मैं आ गया बाहर, मिट्टी डाल दी गई है यहाँ पर। तो पहले इसकी हाइट 6-7 फीट के आसपास रही होगी, लेकिन जब यहाँ पे खुदाई की गई है, अभी हाईवे एक्सपेंड हो रहा है, NH7 है ये जहाँ पर ये गुफा है, इसे हाइड्रोलिक प्लांट के लिए पहले बनाया गया था। यहाँ पर एक हाइड्रोलिक प्लांट के थ्रू शायद वाटर इस तरफ डिस्चार्ज करने का प्लान था या कुछ और, लेकिन अब इसकी उतनी हाइट नहीं रह गई है जो एंट्रेंस है। शायद कुछ दिनों के बाद अगर इस पर मिट्टी डल जाए तो इस गुफा के बारे में आपको पता भी ना चलता है। आई थिंक इस गुफा के सामने जो रास्ता नीचे उतर रहा है वही वो जगह है जहाँ मुझे जाना है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से। देखिए इस तरह का छोटा सा एंट्रेंस है और ये वो पहाड़ है। अब इसमें कुछ दिनों में तो ये छिप ही जाएगी, इसको देखना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर किसी ने आपको बताया नहीं है तो आप जान भी नहीं पाएंगे और पहुंच भी नहीं पाएंगे। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं छोटा सा, यहाँ से उतर के मुझे लेकर के जाएगा अलकनंदा नदी की तरफ। ये जो नदी आपको नज़र आ रही है ये अलकनंदा है, और मैं यहाँ से नीचे उतरने वाला हूँ अभी। तो चलिए चलते हैं। एकदम रेत से भरा हुआ है। लीजिए ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूं, बहुत से रास्तों से जिगजैग करता हुआ अब मैं पहुंच गया हूं यहां। ये आखिरी टर्न है जो इस तरफ लेके जा रहा है, और लीजिए ये आखिरी टर्न नहीं है, एक टर्न और है, ये रास्ता अब जाएगा। मुझे लगा था मुझे नदी नज़र आनी शुरू हो गई है, ये है अलकनंदा रिवर। मैं काफ़ी नज़दीक हूँ अभी, बस एक और मोड। आपको याद है कल मैंने बेर खाए थे, आज फिर मुझे यहाँ बेर का एक खा। अच्छी बात यह है कि ये बेर कल की तरह सूखे नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मैं नदी के किनारे किनारे थोड़ा आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करूँगा। जो खेत के बारे में मुझे बता रहे थे वो खेत तो रास्ते में नज़र नहीं आए, शायद यहाँ कहीं हो। पत्थरों पे फांव रखते हुए ध्यान रखिएगा। आप सोचते होंगे कि पत्थर ज़मीन में मजबूती से पकड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए कैसी है जगह, ये लीजिए अलकनंदा सामने। ये एक छोटा सा वाटर का ट्रिब्यूटरी रिवर जैसा है, ये झरना सा बह के वहाँ जा रहा है। और इन खेतों के बारे में वो बात कर रहे थे, आप अगर देख सकते हैं तो ये है वो जगह जहाँ पहले खेत थे, अब झाड़ियाँ हो गई हैं, इसे साफ किया जा सकता है और यहाँ एक अच्छी कैंप साइट की तरह से डेवलप किया जा सकता है। ये काफ़ी सारी जगह है, ये देखिए ऊपर पहाड़ है और ये काफ़ी सारी जगह है। यहाँ पर खूबसूरती इसमें मुझे जो सबसे ज़्यादा नज़र आती है वो ये कि अलकनंदा नदी एकदम नीचे बहती है। तो आप बस कुछ ही कदम यहाँ से चलेंगे और पहुँच जाएँगे
अलकनंदा के किनारे पर। यहाँ बैठ के थोड़ी देर इस खूबसूरती को निहारने वाला हूँ। सामने कुछ बच्चे हैं, वो मछलियाँ पकड़ रहे हैं, और ये है हरा पानी अलकनंदा का, और वो सामने बड़ा पहाड़ जहाँ सूरज कुछ देर में छिप जाएगा। बड़े बड़े पत्थर, इस तरफ रेत, क्या बात है। उधर से फेंका पत्थर और यहाँ तक आ गया, क्या थ्रो है यार। अब ये क्या करने वाले हैं, वो रहा धागा, अब क्या होगा, एक्साइटिंग होगा देखना। चलो देखते हैं कर क्या रहे हैं ये लोग। मेरे ख्याल में चलकर पूछना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं, पता तो चले। तो आइए चलते हैं। आप ऐसे मछली पकड़ते हैं? हाँ। ओ तो ये कैसे होता है, मुझे ज़रा समझाओ। एक तो रस्सी उधर से इधर फेंकी, उसके बाद उसमें जाल है क्या रस्सी पे? हाँ, उसने फांसे बनाए हैं। अच्छा, रस्सी पे फांसे बनाए हैं, और फिर यहाँ पत्थर डाल बांध के उस पर डाल दिया। ओ क्या बात है। तो कितनी देर वेट करना पड़ेगा अभी? पूरी रात ये यहीं रहेगा? तो आप इस तरफ से आए, वो दोनों उस तरफ से गए? हम दोनों एक ही तरफ आ रहे हैं। वो दोनों उधर जो हैं वो उस वाले रोड पे। हाँ गुड है। तो कितनी मछली फंस सकती है रात में? फंस जाएगी 2-3। 2-3 किलो? एक मछली कितने किलो की है? मतलब इस बार छोटी छोटी है। हाँ तो 200 ग्राम 250 ग्राम 300 ग्राम। अच्छा, तो ये फंदा कैसे बनाते हैं आप लोग? वो कांटा लगाया उस पर चारे के साथ, फिर वो गांठ जो होती है जिसमें से निकलेगी तो फंस जाएगी, फंदे वाली गांठ, गोला बनाते हैं। मैं लेट हो गया, मुझे देखना था। ये है अलकनंदा रिवर। परसों में जहाँ पर था वहाँ पानी बहुत शोर कर रहा था, यहाँ उतना शोर नहीं है, ये पर्टिकुलरली शांत सी जगह है। लीजिए, जगह देखकर वापस आ गया हूँ। एकदम रेत से भरी हुई जगह है, मिट्टी में चलना भी मुश्किल है। दोस्तों ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं, ये जो सारी जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक गांव है ऑन द वे टू चमोली एंड जोशीमठ एंड बद्रीनाथ एंड माना विलेज, इफ़ यू नो। इस जगह पर जहाँ ये गांव है, यहाँ से चमोली है सिर्फ 8 किलोमीटर और यहाँ से मेथाना है सिर्फ 2 किलोमीटर। सो नंदप्रयाग से करीब करीब 4 किलोमीटर आगे है। तो अगर आप इन सब जगह पर रहना और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आपको, अगर आप भी यहाँ आकर के इन सब जगह पर घूमना चाहते हैं, इन लोकेशंस को एंजॉय करना चाहते हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। मैं आपको यहाँ आने के लिए बता दूंगा, और हो सके तो ज़रूरी अरेंजमेंट भी कर दूंगा। यहाँ पर एक होटल है, आप वहाँ आकर के रुक सकते हैं। कल मैं वापसी करूँगा, कल मैं जाऊँगा करणप्रयाग। अगले एक दिन दो दिन शायद मैं वहीं पर हूँ, और वहीं से आपको देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है सन यहाँ पर। ये छोटा सा डॉट दिख रहा है आपको, चलता हुआ जा रहा है पेड़ों के बीच में से। तो फिर मैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करूंगा एक जगह पर, वहाँ सुना है स्नोफॉल हुआ है, तो वहाँ जाएंगे और उसके बाद वापसी है।